ये सेक्सटेंट डिवाइस है, ठीक है। इसको टॉप व्यू से देखेंगे, इसको प्ले करते हैं। ये एक स्टैंड पर माउंट है, ठीक है। जनरली सेक्सटेंट को डायग्राम में इतना ही देखने को मिलता है, बट इट इज़ माउंटेड ऑन ए स्टैंड। और इसको इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एज यू कैन सी। सो सेक्सटेंट को दोनों पोजिशन में यूज़ किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टली भी मेज़र कर यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से अभी इस पोजिशन में है। और उसके बाद इसको ऐसे यहाँ से स्क्रू की हेल्प से इसको हम वर्टिकली पोजिशन में भी रोटेट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाइट मेज़र करनी है, तो वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आपको इसको मूव करना है, तो आप इसे वर्टिकल पोजिशन में फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ भी मेज़र करनी है, तो इसको हॉरिजॉन्टल पोजिशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी डिस्टेंस से आपको किसी विंडो की विड्थ निकालनी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें लेंथ और विड्थ दोनों आपको कैलकुलेट करनी होंगी। तो उसके एंगल मेज़र करने के लिए एक बार इसको हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल पोजिशन में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताते हैं इसके सेक्सटेंट के बारे में। तो सेक्सटेंट बेसिकली इसका नाम होता है कि इस ये एक 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल सर्कल, यानी कि 360 डिग्री एंगल का होता है, तो जिसमें कि ये 60 डिग्री एंगल के मेज़र करने के लिए होता है। लेकिन आप जहाँ इसके स्केल पर देखेंगे तो जो एंगल मार्क होगा वो 120 से ज़्यादा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, इट गोज़ अप टू 125 और मे बी हायर इन सम केसेस। तो वाई इट इज़ सो, तो वो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से पता चलेगा कि इसमें जो, क्योंकि है तो सेक्सटेंट लेकिन 120 के अराउंड इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो जिसमें कि 120 से ज़्यादा है, तो कहीं कोई ज़ीरो एरर होगी तो वो भी इसमें इंक्लूड होकर आ जाएगी। लेकिन एंगल जो होगा ये 60 डिग्री तक एक्यूरेट मेज़र करता है, ठीक है। 120 का इसका रोटेशन इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि इसमें 2 थीटा का एंगल इन्वॉल्व होता है। सो 2 थीटा शुड बी कैप्ट इक्वल टू 120, तो आपको 60 डिग्री एंगल देगा, ठीक है। तो इसकी मेन कंस्ट्रक्शन में एक तो ये आपका आर्क है, ठीक है, ये एक स्केल है, सर्कुलर स्केल, ठीक है, आर्क है। और ये उसके जीरो एरर सेट करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है, दिस सेट्स द जीरो एरर, जीरो, ठीक है। इसको आपको मैच करना होगा जीरो एरर के लिए कि डिवाइस हमारी सेट है कि नहीं है। उसके बाद तो ये एंगल ये मेज़र करेगा आपको डिग्री में। उसके बाद देखिए ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, ये आपको मेज़र करेगा मिनट में, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर एक इसका वर्नियर स्केल है वो आपको एक्यूरेसी देगा सेकेंड्स की, ठीक है। तो ये 3 स्केल हैं इसके अंदर, ध्यान रहे, एक तो सर्कुलर स्केल, एक दूसरा सर्कुलर स्केल, ठीक है। इसी से आप रोटेट करके डिग्री बाई डिग्री इसको आगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ले जाएंगे मोशन को, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी मिनट तक की है। अब इसमें एक तो टेलीस्कोप है जिससे हम देखेंगे कभी भी किसी पॉइंट को, जैसे सामने प्लस मार गए तो उसको फोकस करने के लिए हम इससे टेलीस्कोप के थ्रू हम इससे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो दूसरे कंपोनेंट है, एक ये मिरर है, ये सामने आप देख रहे हैं, इसको इंडेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। इसका काम होता है कि जो सामने ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इस वाले पोर्शन में इसको सेंड करता है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से जो रे आएगी, तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखें कि ये पार्शली मिरर है और पार्शली ये ग्लास है, ठीक है। हाफ पोर्शन इज मिरर, दिस पोर्शन इज मिरर, और दिस पोर्शन इज सिंपली ग्लास। तो इनका इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो ग्लास वाला पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से जो डायरेक्ट लाइट आएगी वो डायरेक्ट लाइट यहाँ से एंटर करते हुए फिर आपके इस टेलीस्कोप में जाएगी, तो आपको एक डायरेक्ट इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जो आप यहाँ से देखेंगे। और ये जो हाफ मिरर है इसमें एक इमेज आएगी वो इस इंडेक्स मिरर से आएगी, ठीक है। ये मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना, तो ये सामने वाले जो ऑब्जेक्ट से सेम ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो यहाँ आएगी पहले, फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो फाइनली वो आप इसको यहाँ देखेंगे। तो आपको यहाँ से एक ही ऑब्जेक्ट की 2 इमेज दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसको समझना कि 2 इमेज जो होंगी बाद में इसको, जब तक दोनों नज़र नहीं आएंगे आप उसको अलाइन नहीं कर सकते और आप इसके मेजरमेंट शुरू ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ये जो मिरर हैं ये दोनों पैरेलल होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग एनी रीडिंग। तो इनके जो पोजीशन है वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। और बाकी स्क्रू की हेल्प से, ये जो पीछे स्क्रूज़ है इनकी हेल्प से हम इनको कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, सो दैट के जो लाइट आ रही है वो इट फॉल्स अंडर दिस एरिया एंड वी कैन सी बोथ द इमेजेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि इस माइक्रोस्कोप से हमें 2 इमेजेस मिलेंगी, ये जो हमें प्लस का सिंबल दिख रहा है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सो इसकी 2 इमेजेस हम आप लोगों को फॉर्म करके दिखा रहे हैं।
सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इमेजेस दिख रही हैं। ये काफ़ी मुश्किल था हम लोगों के लिए इसको फोकस करना एक फ्रेम में दोनों को।